ओके, तो अगर माइनस है तो उसका ग्राफ ड्रा कर लेना, और ये भी देखना पड़ेगा लेफ्ट आएगा कि ऊपर आएगा नीचे, लेफ्ट राइट, है ना। तो ये होमवर्क में वही एक्स की वैल्यू 0, 1, -1, +2, -2 लेके ड्रॉ कर लेना इसको। तो दिस विल आल्सो रिप्रेजेंट द पैराबोला, है ना, क्योंकि एक सिंगल पावर एक डबल है, बाकी कांस्टेंट हो सकते हैं कुछ भी। दिस इज होमवर्क प्रॉब्लम, नोट डाउन एंड देन वी आर सीइंग द नेक्स्ट टॉपिक। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट भी होते हैं, वर्टेक्स और फोकस वगैरह। फोकस इसमें नहीं होता, इसमें लेटर सेलेक्टम वगैरह रहता है। तो मैथ्स में बहुत सारे पॉइंट पढ़ने वाले हैं तुम लोग, पर फिजिक्स में दिस मच इज एनफ। नोटेड, इसको ड्रॉ करना है। y=x²-1, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन हो गया, पैराबोला हो गया। नाउ सर्कल, सर्कल जो है इसकी इक्वेशन होती है, सर्कल की जो इक्वेशन होती है, दोनों पावर्स जो है, दोनों की पावर्स डबल, एक एक पावर बढ़ती जा रही है ना। स्ट्रेट लाइन में सिंगल पावर थे x एंड y के टर्म्स, और पैराबोला में एक की पावर 1 थी, एक की पावर 2। अभी इसकी दोनों की पावर स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर हैं, और नीचे कांस्टेंट है, सेम कांस्टेंट होने चाहिए नीचे। अगर यहाँ पर ए, यहाँ पर सपोज 2 है, यहाँ भी 2 होना चाहिए, स्क्वायर है मतलब 2 का स्क्वायर। सपोज 4 है, 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ भी 2 का स्क्वायर होना चाहिए। और स्क्वायर एम कॉमन लेके राइट साइड में भी शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। वेयर ए विल रिप्रेजेंट द रेडियस, ए क्या रिप्रेजेंट करेगी, रेडियस को रिप्रेजेंट करती ए द रेडियस, ठीक है। तो इसमें ज्यादा वी डोंट नीड दिस मच इज एनफ। बोर्ड अपना बोर्ड लेवल के लिए इतना सफिशियंट है, बट अगर जेई एडवांस में है तब तक तुम लोगों को मैथ मैथ्स में कराया जाएगा। इसमें देखो, इसमें एक पॉइंट और मैं लिख रहा हूँ, देखो व्हाट पॉइंट है इसका, जो सेंटर है एट ओरिजिन, इस तरह की जो क्वेश्चन होगी ना, सेंटर एट ओरिजिन, उसको रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन। अगर सेंटर ओरिजिन पे नहीं है तो वो चेंज हो जाती है इक्वेशन, वो तुम लोगों को मैथ्स में पढ़ाई जाएगी। सेंटर अगर ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन पर नहीं है, तो दैट विल बी टॉट टू यू इन मैथ्स, क्या इक्वेशन होगी। ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन x²+y²=a²। सपोज मैं पूछूं तुमसे, इसमें क्वेश्चन ये है मेरा, माय क्वेश्चन इज दिस, ओके। अगर मैं पूछूं कि ये एक इक्वेशन है y²-9=x², ये कौन से कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है, विच ग्राफ और विच कर्व दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग। सर सर बिल्कुल करेंगे। इज इट सर्कल, तो हमें इस फॉर्म में चेक करना है। ए इज द कॉन्स्टेंट एंड रेडियस, है ना, ए कॉन्स्टेंट है, रेडियस है, वो कॉन्स्टेंट रहेगी। एक सर्कल है तो उसका रेडियस चेंज नहीं होता, एक्स एंड वाई चेंज हो जाएंगे ना। एक्स अगर हमने सपोज 0 रख दिया तो वाई, एक्स 0 रखा तो वाई कुछ आ जाएगा। इसमें अगर हम एक्स एक्स की वैल्यू चेंज करें ना, एक्स सपोज 1 पुट किया तो वाई का वैल्यू कुछ आ जाएगा। एक्स एंड वाई आर चेंजिंग, वेरिएबल्स है, बट ए इज कॉन्स्टेंट, रेडियस इज नॉट चेंजिंग। अगर वो तो ऐसे इसमें भी एक्स की सिंगल पावर है, एक्स की डबल पावर है, स्क्वायर है, यस, वाई स्क्वायर है, यस, एक कांस्टेंट भी है, यस, एक कांस्टेंट भी होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे इस फॉर्मेट में ले आए, इस फॉर्मेट में लेके आए, चलो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं सॉरी सॉरी, यहाँ पर
एक्स को एक्स ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, देखो एक्स शुड बी माइनस एक्स यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, नाउ इट्स ओके है ना। तो अभी हम इसको इधर ले आते, एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा, वाई स्क्वायर ऑलरेडी प्लस है, नाइन को इधर ले जाएंगे तो नाइन स्क्वायर। तो अभी ऐसे हमें इसके साथ मैच हो गया, ये इसके साथ मैच हो गया, ये दोनों सेम है, बोथ आर सेम। देखो ए स्क्वायर को वन बाई ए स्क्वायर को कॉमन लेके इधर शिफ्ट कर दिया हमने, इज इट ओके नट करके दिखाओ। देखो इसको हमने वन बाई ए स्क्वायर कर दिया ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, दोनों में सेम है ना, मैंने बोला डिनोमिनेटर में सेम होना चाहिए, सेम क्वांटिटी सेम नंबर होना चाहिए, सेम कॉन्स्टेंट होना चाहिए। अभी हमने फिर इसको इधर भेज दिया तो ये दूसरे फॉर्मेट में है ना, यहाँ पे मैंने देखो आर लिखा है ठीक है। तो अभी ये मैच हो गया है ना सेकेंड फॉर्मेट के साथ, ये इक्वेशन वन है और टू है, दोनों सेम इक्वेशन है, एलसीएम लेके हम प्रूव कर सकते हैं। क्लियर टू एवरीबॉडी? नाउ इस फॉर्मेट में आ गए, अभी ये इसको क्या बोलेंगे सर्कल। इस तरह के जो इक्वेशंस होती हैं दे विल रिप्रेजेंट द सर्कल। तो रेडियस क्या होगा इसका बोलो, फाइंड इट्स रेडियस। हमने कंपेयर करके ए की वैल्यू लिखा, देयर फॉर ए इज इक्वल टू थ्री। तो हमने यहाँ पे देखो ए ए रेडियस लिखा हुआ है, ए स्क्वायर रेडियस नहीं लिखा है, तो ये स्क्वायर है। अगर यहाँ पे थ्री होता तो अभी क्या रेडियस होती बोलो, अगर इक्वेशन ऐसे होती रूट थ्री, अभी रेडियस क्या होगी बोलो, व्हाट विल बी द रेडियस नाउ? एक मिनट जस्ट थोड़ा सा, हाँ करेक्ट। तो इसको हम कैसे लिख सकते थे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको ऊपर वाले मेथड से, अभी हम दिस इज ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इज थ्री, तो देयर फॉर ए इज इक्वल टू रूट थ्री। प्लस माइनस आ रहा है, प्लस माइनस का मतलब अपोजिट है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस है, माइनस का मतलब कभी कभी ये भी होता है, इधर का प्लस है तो ये वाला माइनस है, बट रेडियस को हम जनरली माइनस नहीं लिखते तो इसलिए प्लस ही लिखते, तो रूट थ्री है ठीक है। तो समझ में आ गया ये सर्कल का टॉपिक, छोटा सा ही इतना ही हमें चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, यू डोंट नीड मोर देन दिस इन द फिजिक्स। इक्वेशन पता होनी चाहिए है ना, और रेडियस क्या होता है वो पता होना चाहिए है ना, और दैट्स ऑल। तो अभी माय क्वेश्चन इज देयर, क्वेश्चन इज दिस कि अगर यहां पर ए स्क्वायर है, यहां पर बी स्क्वायर है, अनइक्वल होंगे तब क्या होगा, अनइक्वल होंगे तो तब कौन सा कर्व बोलते हैं उसके लिए, उसको कर्व को, दैट कर्व इज व्हाट, दैट कर्व इज कॉल्ड सर पैराबोला। पैराबोला में तो क्लोज नहीं है ना, वो ओपन है, पैराबोला तो ऊपर हो चुका है, बट नहीं तो कैसे पैराबोला, उसमें एक की सिंगल पावर होनी चाहिए ना, इसमें दो हाँ, मैंने सर क्या बोला देखो, इसमें देखो ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, नीचे चेंज किया बस, यहाँ पे मैं ए स्क्वायर लिखूं, यहाँ पे बी स्क्वायर, तो वो फोर्थ कर्व बन जाता है। अभी हम एक और कर्व रह गया, वो भी कंप्लीट करने वाले हैं, बट इसमें कोई डाउट है? नो सर, इसमें कोई। और मैथ्स में तुम लोगों को जो एक्स्ट्रा पॉइंट सिखाए जाएंगे वो कुछ ऐसे रहते हैं, अगर उसका मतलब सेंटर ओरिजिन पे नहीं है तो जी एंड एफ पर है, तो यहाँ पर जी एंड एफ ऐसे आ जाता है, ये जी एंड एफ, तो ये मैथ्स के पॉइंट है, फिजिक्स में हमें नहीं लगेंगे, इसलिए मैंने ये बाईपास कर दिया है ना, और बायो के स्टूडेंट को भी नहीं लगते, तो ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने कट कर दिया अननेसेसरी, तुम लोगों को फिर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा, तो आई एम नॉट टीचिंग यू दिस पॉइंट, मैथ्स टीचर विल टीच यू, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये हमें ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ते हैं ना, इसी फर्स्ट बुक में लास्ट वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे इलिप्स आता है, डू यू हैव यू हर्ड द इलिप्स, किसी ने सुना है? नहीं सुना है, तो ये अपने जो
अर्थ है, जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ. सर्कुलर नहीं है वो. अर्थ इज नॉट मेकिंग द सर्कुलर पाथ अराउंड द सन. अर्थ का सर्कुलर नहीं है, इलिप्टिकल पाथ है. सभी प्लैनेट्स का इलिप्टिकल पाथ है. केपलर वाज द पर्सन, सबसे पहले उसने बताया था कि ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ. तो ग्रेविटेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे केपलर्स लॉ वगैरह, फर्स्ट लॉ यही है ना. तो वी विल सी इन द ग्रेविटेशन के चैप्टर में, जो कि नाइन्थ में भी पढ़ा हम लोगों ने, तो वहां पे इतना डिटेल में नहीं था ये पाथ वगैरह के बारे में. तो यहाँ पे चेंजेस क्या हुआ सर्कल से, ये जो अगर हमने सर्कल को प्रेस कर दिया ऊपर से, है ना, ऐसे प्रेस कर दिया इसको इस तरह से यहाँ से, तो ये ऐसा ऐसा शेप हो गया, एग शेप है ना, एग जैसा शेप है, ओवल शेप भी बोलते हैं उसको, ओवल वर्ड भी यूज करते हैं. ओवल एक वो भी है क्या, क्रिकेट ग्राउंड भी है, उसका शेप सर्कुलर नहीं है क्या, हो सकता है सर्कुलर ना हो इसलिए उसको ओवल बोलते होंगे, ठीक है. एनीवे, तो इसमें क्या चेंज है, देखो एक जगह ए स्क्वायर, दूसरी जगह बी स्क्वायर. तो ये वाला ये ए को रिप्रेजेंट करेगा, दिस साइड विल रिप्रेजेंट ए. ओके, यहाँ पे मैं बताता हूँ तुम्हें, यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिर से बना लेता हूँ, ये दिस मच ओनली, और ये ऊपर वाला बी रिप्रेजेंट करेगा. इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ एक मिनट. तो दिस विल रिप्रेजेंट बी हाफ, इसको हाफ एक्सिस बोलते हैं. इसको इसको क्या बोला जाता है, सी ए इज व्हाट, वहां पर तो ए रेडियस थी, यहाँ पर ए रेडियस नहीं है बिकॉज अनइक्वल रेडियस है ये, है ना. अगर बी इक्वल टू ए हो जाएगा तो ये सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा, बट बोथ आर अनइक्वल. तो जो ए है, ए दिस इज सेमी, ये आधा एक्सिस है, ये दिस इज द फुल एक्सिस. एक मिनट जस्ट लेट मी रिमूव द एक्स्ट्रा लाइन, निकाल दू एक्स्ट्रा लाइन, हटा दू मैं बाहर की लाइन, हटा दू. जस्ट मैंने ना, इट्स ओके. देखो सी दिस इज कॉल्ड, ओके सम मोर ओके. तो दिस इज कॉल्ड, यहां से यहां तक इसको बोलते मेजर एक्सिस, पूरी फुल लाइन क्या, टू ए विच इज इक्वल टू टू ए. मेजर एक्सिस इज इक्वल टू ए, उसका आधा कर दो ए. ए इज कॉल्ड सेमी मेजर एक्सिस. इसके दो एक्सिस हैं, एक तो बड़ा है, इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, ऊपर वाला जो है वो माइनर एक्सिस. दिस इज माइनर एक्सिस, ये छोटा एक्सिस है. तो 2b इज द माइनर एक्सिस और उसका आधा b इज द सेमी माइनर एक्सिस. तो ये सेमी माइनर, सेमी, ठीक है. तो इलिप्स की इक्वेशन क्या हुई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, वेयर ए इज द मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस का आधा. सेमी मीन्स हाफ, ईयर यहाँ पर सेमी का मतलब हाफ. हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस इज ए और हाफ ऑफ द माइनर एक्सिस मीन्स सेमी माइनर एक्सिस विच इज इक्वल टू बी. तो ये बी है, तो सर्कल से थोड़ा डिफरेंट है ना. सर्कल में दोनों सेम थे, यहाँ पे दोनों अनइक्वल है. थोड़ा सा सर्कल को प्रेस कर दिया हमने ऊपर से और नीचे से. तो सर, एक्स स्क्वायर ही आना चाहिए. हाँ, एक्स स्क्वायर के नीचे जो आएगा, बिकॉज स्क्वायर नहीं ये, ना? नहीं, बी आगे चल के तो वो ऐसा होगा. देखो ये ए तो ये जस्ट इट इज द कन्वेंशनल वे ऑफ राइटिंग. ऐसा होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सपोज मैं बोलूं एक्स स्क्वायर बाई 9 वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1, ठीक है. तो मेरा क्वेश्चन ये है, इसमें सेमी मेजर एक्सिस कितनी होगी, फाइंड सेमी मेजर एक्सिस. फाइंड, ओके जस्ट थोड़ा सा मैं गैप बना लूं पहले.
just let me make the graph. To find semi-major axis, semi-major and semi-minor axis. तो यहां पर ए एंड बी तो गायब हो गए, बट कन्वेंशनली जो होता है, कन्वेंशनली एक्स के नीचे ए है ना, तो एक्स एक्सिस का ही पार्ट है ना, दिस इज अ पार्ट ऑफ द एक्स एक्सिस। यहाँ पे जो सिंबल होगा, सपोज ए की जगह कुछ एम हो गया, तो हम एम स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पर सपोज एन हो गया तो एन स्क्वायर लिख देंगे। बट मैथमेटिकल जो लैंग्वेज है हर बुक में ए एंड बी के टर्म्स में, तो वो हम फॉलो करेंगे, आगे चल के चेंज हो जाएगा, तो हम भी चेंज कर देंगे कुछ क्वेश्चंस में। तो जैसे सपोज अभी मैंने ये, अच्छा यहाँ पे होल्ड ऑन ओके, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, मैंने कुछ गलत लिखा है क्या, बोलो, एनीबॉडी कैन पिन पॉइंट सम मिस्टेक हैज बीन डन, हु विल पॉइंट आउट। मेजर मीन बड़ा होना चाहिए ना सर, ए तो बड़ा होना चाहिए ना, ए बड़ा होना चाहिए, ऑफ कोर्स ये बड़ा होना चाहिए ना, तो यहाँ पर इंटरचेंज करना पड़ेगा। बट हमेशा ऐसे ही होगा, ए बड़ा होगा, हाँ मेजर मीन बड़ा होना चाहिए, बट कैन वी ड्रॉ दिस, चलो इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, लिसन केयरफुली, अगर मैंने ऐसे लिख दिया है तो कैन वी ड्रॉ द ग्राफ इसका, अभी यू डोंट डू इट एनीथिंग, तुम लोग ड्रॉ मत करो, ये ऐसा हो जाएगा, देखो इट विल बी लाइक दिस। सुनो अभी तुम्हारा जो डाउट था ना, इट हैज बिकम इंटरेस्टिंग डाउट, देखो ये ऐसा ग्राफ हो जाएगा सर, वर्टिकल एलिप्स आएगा क्या? हाँ वर्टिकल हो जाएगा, वेरी करेक्ट, इट कैन बी वर्टिकल, इसको इक्वेशन कैन बी लाइक दिस ओनली, बट थिंग्स विल बी लाइक दिस, ऐसा हो जाएगा। देखो अभी टर्मिनोलॉजी भी चेंज करनी पड़ेगी, इसका ग्राफ ऐसा आएगा, देखो ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, अभी ये कितना हो जाएगा, अभी हम इसको सेमी मेजर नहीं बोलेंगे, अभी छोटा है तो माइनर एक्सिस हो जाएगा, दिस विल बी 3, दिस विल बी 4, तो नाउ सेमी मेजर एक्सिस, ये बड़ा एक्सिस तो ये है, अभी सेमी मेजर एक्सिस विल बी कॉल्ड 4 और सेमी माइनर एक्सिस विल बी कॉल्ड 3। तो बट जनरली हम लोग अगर मेजर एक्सिस की बात करेंगे तो ग्राफ कैन बी लाइक दिस, अभी इसको मैं डाल दूं, I should have written like this, 16 यहाँ पर, जो हमने ऊपर सीखा है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, 16 एंड दिस इज 9 है ना, ये छोटा होना चाहिए। नाउ सेमी मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा बोलो, ए विल बी 4 एंड माइनर एक्सिस विल बी 3, बी विल बी 3, ठीक है। तो जनरली विल कम अक्रॉस लाइक दिस, बट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में जैसा मैंने अब ऊपर बनाया था ना वैसा, ये हमें पता है दो चैप्टर में काम आएगा, ग्रेविटेशन में और सिंपल हार्मोनिक मोशन एक चैप्टर है सेकंड बुक में, वहां पे दोनों जगह ये काम आता है इलिप्स, देयरफॉर आई हैव रिटन इंपॉर्टेंट, और आगे चल के 12th में भी काम आएगा। क्लियर, समझ में आ गया? अभी जो एक्सिस हाँ बड़ा होगा, जो बड़ा होगा उसको मेजर एक्सिस बोलेंगे, हो सकता है वाई एक्सिस पे वो बिगर हो, तो वो मेजर एक्सिस हो जाएगा। तो दे हैव द मीनिंग है ना, मेजर जब बोलते हैं तो बड़ा होना चाहिए। क्लियर टू एवरीबॉडी? तो यू रिमेम्बर दिस, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा इसमें एक और पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ये हमें कभी कभी एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, ये जो हमें बोर्ड के लिए नहीं काम आएगा बट कंपटीशन में काम आ सकता है ये पॉइंट। देखो मैथ्स में कराया जाएगा तुम लोगों को, और फिजिक्स में भी हमें, देखो अच्छा इसमें एक पॉइंट और भी दिख रहा है तुम्हें यहाँ पर, कैन यू सी वन मोर पॉइंट, एफ जो होता है ना, एफ इज कॉल्ड फोकल पॉइंट ऑफ इलिप्स है ना, जैसे हम लोग पढ़ते हैं वो मिरर्स में पढ़ाते हैं ना, फोकस, इसको फोकल पॉइंट नहीं, फोकस बोलेंगे, इतना बड़ा नहीं बोलते, फोकस बोलेंगे, फोकस ऑफ द इलिप्स। मिरर में पढ़ाते
रेज अगर पैरेलल रेज आती हैं तो फोकल पॉइंट पे मीट होती हैं कॉनकेव मिरर में या कॉन्वेक्स में, तो ऐसी इधर भी हो सकता है, देयर आर टू फोकल पॉइंट्स, वन विल बी दिस साइड आल्सो, दोनों तरफ होगा, बट हम लोग जो यूज करते ग्रेविटेशन के चैप्टर में एक ही फोकल पॉइंट लेते, सन इज एट द फोकल पॉइंट। कैप्लर ने क्या बोला था कि प्लैनेट्स जो है ये प्लैनेट्स है ऐसे घूम रहे हैं, अर्थ है ये, दिस इज द अर्थ, सन इज एट फोकल पॉइंट, सन फोकस पॉइंट पे होता है, तो प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड सन इज एट वन ऑफ द फोकाई, फोकस का प्लूरल फोकाई होता है, वन ऑफ द फोकस पॉइंट सन इज सिचुएटेड, दैट इज व्हाट इज द कैप्लर्स लॉ। तो सन यहाँ पे हम लोग सन को, सन का अभी सन एंड अर्थ को नहीं बोल रहे, जस्ट वी आर डिस्कसिंग द पॉइंट फोकस, थोड़ा सा इधर होगा, मिड पॉइंट पे नहीं होगा, मेजर एक्सिस के मिड पॉइंट पे नहीं होता वो, थोड़ा सा इस तरफ यहाँ पर, क्लियर। तो ये फोकल पॉइंट का भी डिस्कस होगा, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड इक्वेशन, दीज आर द पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर्ड फॉर अवर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें कोई डाउट हो जस्ट अनम्यूट एंड आस्क, अनम्यूट करके पूछ लो। ये समझ में आया फोर क्यों लिखा हमने, बिकॉज स्क्वायर है ये, ए स्क्वायर इज फोर, 16 सॉरी, तो ए विल बी फोर, ऐसे बी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू 3, इक्वेशन में स्क्वायर होता है नो डाउट, बट अदरवाइज ए एंड बी आर द सेमी मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। क्लियर। इसमें एक पॉइंट मैं और कॉम्पिटिशन पॉइंट है उसे बता दूं, देखो ये तो सेमी मेजर एक्सेस हो गया अपना, और ये माइनर सेमी माइनर एक्सेस विच इज नॉट नीडेड नाउ। अगर जो है फोकल पॉइंट से सेंटर ऑफ द इलिप्स, सी क्या है, ओके ए इज द सेमी मेजर एक्सेस, ओके यहाँ पर लेट अस सी वन मोर पॉइंट, ए होता है सेमी मेजर एक्सिस, और सी द डिस्टेंस, ओके सेंटर को मैं ओ कर देता हूं, सी द डिस्टेंस बिटवीन फोकस which is denoted, we are denoting by F, and center of the ellipse. That's O symbol de diya usko. Then, C by A is equal to E, where E is called eccentricity of ellipse. ये मैथ्स की लैंग्वेज है, इसमें मैं ज्यादा कुछ बता नहीं सकता। इस रेशो को एक्सेंट्रिसिटी बोला जाता है, इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उतनी ज्यादा फ्लैट होता है ये इलिप्स, इसकी वैल्यू जितनी कम होगी उतना सर्कुलर शेप की तरफ कन्वर्ट होता है वो, दैट इज व्हाट आर द पॉइंट्स आर मैथमेटिकल पॉइंट्स जो तुम्हें मैथ्स में पढ़ा जाएंगे। बट यहाँ पे हमें इसका कभी कभी क्वेश्चन आता है एक्सेंट्रिसिटी के टर्म्स में, जेई एडवांस में, बोर्ड में नहीं आएगा तुम्हें, तो डोंट वरी, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा यहाँ पे। ठीक है, तो दिस यू विल नीड इट फॉर द कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू, रेशियो ऑफ दीज टू टर्म्स सेमी मेजर एक्सिस एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकल पॉइंट एंड सेंटर ऑफ द एलिप्स इज कॉल्ड एक्सेंट्रिसिटी, दैट डिसाइड्स द शेप ऑफ द एलिप्स, इट इज हेडिंग टुवर्ड्स द सर्कुलर और
हाईली नॉन सर्कुलर, हाईली इलिप्टिकल भी बोलते हैं। जितना ज्यादा ये लेंथी हो जाता है, जितना ज्यादा इसकी लेंथ बढ़ती है तो हाईली इलिप्टिकल बोला जाता है। और जितना ज्यादा इसका ए एंड बी क्लोज आते हैं, एक दूसरे के क्लोज होते हैं, तो उतना ज्यादा सर्कल की तरफ शिफ्ट होता है। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस रेशियो। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैंने लिखे हैं एक्सेप्टेंस इंडिकेटर ये मैथ्स में पढ़ाया जाएगा, दिस वी डोंट नीड इट, इसको डोंट कॉपी, ये मैथ्स का पॉइंट है, वी डोंट नीड इट इन फिजिक्स। एक्सेप्टेंस इंडिकेटर का दूसरा फार्मूला है, ओके, तो ये लिख लो इतना बस, दिस मच। ठीक है, लिस्ट में कोई डाउट है तुम लोगों को, पर्टिकुलरली जो फर्स्ट फ्यू पॉइंट जो बताए मैंने, इक्वेशन एक्सेसेस एंड फोकल पॉइंट, सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सेस, और प्लस होगा इसमें, बीच में माइनस नहीं हो सकता, इट कैनॉट बी माइनस, ऑलवेज प्लस। ठीक है, तो हमारे चारों कंप्लीट हो गए ना, आगे नेक्स्ट, तो ये स्ट्रेट लाइन का हो गया, पैराबोला हो गया, इलिप्स हो गया, और क्या पढ़ा हमने, सर्कल, सर्कल एंड इलिप्स में थोड़ी बहुत सिमिलरिटी थी, ठीक है। तुम लोगों ने साइन एंड कॉस का कर्व पढ़ा था टेंथ में, तुम लोग को ड्रॉ कराया गया था, ड्रॉ द कर्व ऑफ साइन एक्स, साइन साइन एक्स एंड कॉस एक्स, नहीं कराया गया था, तो वो भी हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, साइन का कर्व कैसा होता है, कॉस का कर्व कैसा होता है, वो भी हमें अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में बहुत बार बहुत ड्रॉ करना पड़ते हैं, एसी एसएचएम के चैप्टर में भी साइन एंड कोसाइन के कर्व वी हैव टू ड्रॉ। ठीक है, तो अभी हम लोग यहीं पर सीखते हैं उसको। तो मेरा क्वेश्चन है, ड्रॉ द कर्व फॉर वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इसको ये मत सोचो कि साइन ये साइन एक्स है, तुम एक्स की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू ले लो और वाई, है ना, जैसे रफ टेबल बना लो और एक्स की हम वैल्यू जीरो ले लेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू हमें डिग्री में या रेडियन में लेनी पड़ेगी, है ना, डिग्री में लेके ड्रा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते कैसे करते हैं, 180, अभी मैंने सिखाया नहीं तुम लोगों को, आई विल टीच यू हाउ टू कन्वर्ट, बट आई टोल्ड यू दिस मच ओनली, पाई इज इक्वल टू 180, इस रिलेशन से कन्वर्ट कर सकते हैं, पाई 180, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके, या फिर मैं पहले तुम्हें कन्वर्ट करना सिखा दूँ, तो एक बार और प्रैक्टिस करा देता हूँ कन्वर्ट कराने के लिए, है ना, सो दैट, देखो सी पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ये हम सप्लीमेंट्री एंगल के उससे टॉपिक से आता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैथ्स में तुम लोग का हुआ है क्या अभी? अच्छा, मैथ्स तुम लोग क्लासेस अभी शुरू नहीं हुए ना, मैथ्स कल से होने वाले, कल से होने वाले, ओके, तो हो सकता है मैथ्स में भी कराए जाएंगे पाई रेडियन एंड डिग्री के बारे में, लेकिन बाद में कराए जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ओके 180 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन, साइड चेंज कर लो,
पाई रेडियन, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट लिख दिया, और एक ही बात है ना, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, पाई की वैल्यू वही रहने वाली है 3.14, विच इज इक्वल टू 22/7, तो ये 180 डिग्री इज इक्वल टू 3.14 रेडियन होगा, रेडियन होगा, और 22/7 रेडियन, रेडियन व्हाट इज द रेडियन, टेल मी समबडी, रेडियन इज व्हाट, सर डिग्री है उसका, देखो रेडियन इज द, रेडियन इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगल, आर्क अपॉन रेडियस, हाँ आर्क अपॉन रेडियस, देखो अगर हम लोग, चलो लेट मी गो बैक टू द, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, लेट अस गो बैक टू द बुक्स में चल के 11th की बुक ओपन करते हैं, ठीक है, और चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स, फर्स्ट चैप्टर तो इंट्रोडक्शन है, देखो फर्स्ट चैप्टर क्या है, ये तुम लोगों को क्लास में बोला जाएगा, खुद करो, दिस इज चैप्टर नंबर 1, फिजिकल वर्ल्ड, फिजिक्स के, व्हाट इज फिजिक्स एंड स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना अराउंड अस, दैट इज द फिजिक्स, तुम्हें फोर्सेस वगैरह के बारे में बताया जाएगा, तो ये सेल्फ स्टडी के लिए, इसमें क्वेश्चंस नहीं आते, सेकंड चैप्टर में चलते हैं, फर्स्ट चैप्टर इज द इंट्रोडक्शन, सेकंड चैप्टर इज द यूनिट्स एंड डायमेंशंस, है ना, यूनिट्स एंड डायमेंशन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स एंड डायमेंशन भी इसमें है, तो इसमें तुम्हें बताया जाएगा कि यूनिट्स क्या होती हैं, किसी को मेजरमेंट, किसी फिजिकल क्वांटिटी जैसे एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इनको मेजरमेंट करने के लिए यूनिट्स होती है ना, जैसे मैं बोलोगे हाइट तुम्हारी कितनी है, तुम बोलोगे इतने फीट है या इतने सेंटीमीटर है या इतने मीटर है, ये सब यूनिट है डिस्टेंस की या हाइट की, है ना, तो इसमें जो एसआई यूनिट होती है वो चलती है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना, ये जो टेबल है तुम्हारी लेंथ, है ना, लेंथ का मीटर, है ना, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ये एसआई यूनिट, 7 एसआई यूनिट होती है ना, ये मेजरमेंट्स जो अब कॉन्फ्रेंस हुई थी लॉन्ग बैक, फ्यू डिकेड्स बैक, तो उन्होंने ये बनाई, हर कंट्री को एसआई यूनिट फॉलो करना चाहिए कि प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, तो उसके बाद फिर देखा गया कि इसमें तो एंगल की, तो एंगल वाला तो छूट ही गया था, उसको सप्लीमेंट्री यूनिट में डाला गया, सप्लीमेंट्री यूनिट में प्लेन एंगल बोला गया, प्लेन एंगल जो है आर्क अपॉन रेडियस, यहाँ पे तो प्लेन एंगल के बारे में पहले डिस्कस कर लिया गया, बाद में है वैसे तो ये दो साथ में दो और ऐड किए गए, इनको सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं, तो प्लेन एंगल क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन, ये आर्क हो गया, ये रेडियस हो गया, ये सर्कल का पार्ट हो जाएगा ना ऐसा, तो आर्क इसको बोलते हैं, तो प्लेन एंगल थीटा, जिसको डी थीटा मतलब छोटा एंगल, थीटा मीन्स थोड़ा सा बड़ा एंगल, आर्क अपॉन रेडियस, है ना, तो सपोज आर्क एंड रेडियस दोनों इक्वल हो गए, सपोज आर्क भी 1 मीटर है, ये भी सपोज 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है, तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा, इसकी यूनिट क्या होगी, आर्क की यूनिट भी मीटर होती, रेडियस की भी मीटर, मीटर मीटर तो कैंसिल हो गया, बट एंगल की यूनिट होनी चाहिए ना, तो डिग्री इज नॉट द यूनिट, रेडियन इज द यूनिट, 1 रेडियन का एंगल बनेगा जब आर्क एंड रेडियस इक्वल होते हैं ना, तो 1 रेडियन का एंगल होता है, अभी तुम बोलोगे सर ये रेडियन जो है ना डिग्री में बताओ कितना हुआ, 1 रेडियन कितने डिग्री हुआ, ठीक है, तो ये हम डिराइव कर सकते हैं, देखो वील डिराइव द रिलेशन बिटवीन एंगल एंड डिग्री, सपोज हमने सेमी सर्कल लिया, पहले मैं सर्कल का ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ से ये रेडियस हमने ड्रॉ कर दी, आर्क हमने इतना बड़ा लिया, कितना बड़ा लिया, दिस मच इतना लिया, ये सेमी सर्कल बन जाएगा, ये सर ना दूसरे कलर से ड्रा कर रहा हूँ,
रेड से ड्रॉ करना, सेमी सर्कल ले लिया, एंगल कितना बन गया 180 डिग्री बन गया, है ना। तो 180 डिग्री कितने रेडियन के बराबर, तो अभी हम फार्मूले से सीखेंगे। देखो थीटा इज इक्वल टू आर का पान रेडियस, है ना। तो आर कितना बड़ा हुआ जी, अभी यहां से यहां तक का आर यहां से यहां तक का आर कितना बड़ा हुआ बोलो, सेमी सर्कल हुआ कि नहीं, सेमी सर्कल कितना होता, पाई आर होता कि नहीं होता। आर यू देयर, तुम लोग सुन रहे हो? यस सर। पाई यस सर। आर कितना हुआ, आर सेमी सर्कल हुआ, सेमी सर्कल में तो पाई आर रेडियस आर, तो आर आर कैंसिल पाई रेडियन, तो 180 डिग्री, देयरफॉर 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। तो मतलब ये दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं, डिग्री इज नॉट द ऐसा यूनिट, हमने टेंथ में पढ़ा है वो ऐसा यूनिट नहीं है, रेडियन ऐसा यूनिट। तो प्लेन एंगल का जो नॉर्मल जो एंगल जो हमने पढ़े ना टेंथ में, उनको प्लेन एंगल बोलते हैं। सॉलिड एंगल भी होते हैं, सॉलिड एंगल में बाद में पढ़ाऊंगा तुम्हें। तो प्लेन एंगल का समझ में आ गया, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 रेडियन कितना होगा, चलो मेरा क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ 1 रेडियन इन डिग्री। अभी यहां पे 1 आया था ना, जब आर के रेडियस इक्वल होते तो 1 रेडियन का एंगल बनता है, बट तुम्हारा इंटरेस्ट होगा कि भाई 1 रेडियन होता कितना है, डिग्री में कितना होता है। तो यहां से कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे देखो, ओके लेट मी एडजस्ट कर यू, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टिकर देखो, यहाँ पर तो 1 रेडियन का डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो यही रिलेशन उठाते हैं हम फिर। लेट अस पिक अप दिस रिलेशन, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 1 रेडियन कितना हो गया, 180 अपॉन पाई, पाई को हमने नीचे भेज दिया, पाई हैज बीन सेंट इन डिनोमिनेटर। तो ये इधर आ गया, ठीक है। डिग्री पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 ऊपर आ गया, 3.14 भी लिख सकते हो। तो ये मेरे ख्याल से 57 point something, ओके जस्ट लेट मी कैलकुलेट हाउ मच इट इज कमिंग, नोट कर लो ये सुन लो, थोड़ा सा मैंने प्रॉपर वे में नहीं लिखा, या फिर मैं जस्ट लेट पहले तो वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर आई गिव यू टू। तो ये 180 डिवाइड बाय 3.14 है ना, या फिर 180 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइड बाय 22, पाई की जो वैल्यू 57.2 डिग्री ये हमने कैलकुलेट की 180, इतना होता है, ठीक है। तो जस्ट लेट मी शैल आई रिपीट इट अगेन, देखो आपने प्लेन एंगल के बारे में क्या सीखा, आई थिंक अभी मीटिंग खत्म होने वाली है, फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। इफ यू आर नॉट एबल टू नोट, तो हमने प्लेन एंगल कैसे सीखा, प्लेन इज द प्लेन एंगल इज द रेशियो ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस,